जिसमें आप देख सकते हैं कि भारी कंटेनरों को भी लगाया गया है, जिन्हें ध्वज के रंगों से रंगा गया है, उनसे पिरोया गया है। और साथ ही में अगर आप एक झलक देखेंगे तो आसपास में आपको रंग बिरंगे ध्वज भी देखने को मिल जाएंगे और कुछ फुलकारे भी ऊपर आप देख सकते हैं, जो कि एक आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए लगाए गए हैं। यहाँ पर बहुत से लोग देखने को मिल रहे हैं जो यहाँ पर आकर अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, कुछ वीडियोस बना रहे हैं, तो काफी उमंग भरा माहौल है यहाँ का। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी तक मौजूद है हम लोग लाल किले पर। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल यानी कि 15 अगस्त आजादी का काफी बड़ा महोत्सव है, उसको लेकर अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लाल किले पर। यहां का दृश्य हम आपको दिखा देते हैं कि क्या मौजूदा स्थिति है। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर साज सज्जा का अगर स्तर बताएं तो काफी मनमोहक किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारी कंटेनरों को भी लगाया गया है, जिन्हें ध्वज के रंगों से रंगा गया है, उनसे पिरोया गया है। हालांकि कंटेनर काफी भारी होते हैं, सुरक्षा के इंतजाम से इन्हें यहाँ पर लगाया गया है। और साथ ही में अगर आप एक झलक देखेंगे तो आसपास में आपको रंग बिरंगे ध्वज भी देखने को मिल जाएंगे और कुछ फुलकारे भी ऊपर आप देख सकते हैं, जो कि एक आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए लगाए गए हैं। उसके साथ में ही अगर एक दृष्टि आप देखते हैं तो वहाँ पर एक ध्वज का पर्दा आप देख सकते हैं, जिस पर बखूबी ये दिखाया गया है कि जो भी राज्य है, जो उनकी संस्कृतियां हैं, जिनसे वो बिलोंग करते हैं या संबंध रखते हैं, उन सभी का दृश्य उस पर दर्शाया गया है, जिसमें डांस आप देख सकते हैं, नृत्य आप देख सकते हैं और साथ में कुछ कलाकारी भी देख सकते हैं, जिसमें देख सकते हैं कि शहनाई बजाई जा रही है और कथक को भी दर्शाया गया है। तो ये यहाँ पर मौजूदा अभी हालात है जो आप देख पा रहे हैं। और साथ ही मैं जानकारी के लिए बता दें कि अभी यहाँ पर कुछ मशीनें लगी हुई हैं, जिनसे काम और साजो सज्जा अभी भी जोरों शोरों से चलाई जा रही है। और आसपास का माहौल आप देख सकते हैं कि काफी शांत है, रोड जो है वो देख सकते हैं कितना ज्यादा खाली है। तो ये सारे सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि एक नजर आप देखिए, यहाँ पर बैरिकेडिंग भी की गई है। और साथ में अगर मैं आपको यहाँ का पूरा माहौल दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो कि चांदनी चौक की फुहारे रोड शुरू हो जाती है, वो भी है जहां पर जो मेन गेट है वो बंद कर दिया गया है। यहां तक कि उस पे बैनर भी लगा दिए गए हैं, नो एंट्री, जिसमें लोग तो अभी मौजूदा जा सकते हैं लेकिन व्हीकल किसी भी तरीके का उसके अंदर नहीं जा सकता। और साथ ही मैं आपको बता दें कि यहां पर जहां पर आप सुनते आते हैं कि चांदनी चौक काफी बड़ी मार्केट है, जिसे लेकर वो भीड़ के लिए जानी जाती है, वो भी अभी मौजूदा आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। लेकिन लोगों में 75वीं वर्षगांठ को लेकर काफी उमंग है, जो हर साल देखने को मिलती है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि अभी भी यहाँ पर बहुत से लोग देखने को मिल रहे हैं, जो यहाँ पर आकर अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, कुछ वीडियोस बना रहे हैं, तो काफी उमंग भरा माहौल है यहाँ का। साथ ही में यहाँ पर चर्चा करेंगे, अभी साज सज्जा हमने आपको दिखाई कि किस तरीके की करी गई है। हालांकि आप देख सकते हैं जो कंटेनर है वो इतनी ऊंचाई के साथ यहाँ पर लगाए गए हैं, और आसपास का माहौल आप देख सकते हैं जिसमें लाल किला भी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। ये वो भूमि है जहाँ पर हर वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से हमारे राष्ट्र ध्वज को फहराते हैं और लोगों में एक जोश और हर्षोल्लास अपने भाषण के जरिए भरते हैं। साथ ही में अगर सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जहां पर एनएसजी की काफी ज्यादा बड़ी संख्या में बटालियन मौजूद है। हालांकि आपको बता दें कि अभी 14 अगस्त है, यहां पर काफी ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन साथ ही में बताया जा रहा है कि 15 अगस्त यानी कि कल के दिन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दिल्ली भी अलर्ट पे है, ऐसे में 40,000 से भी ज्यादा राष्ट्रीय सैनिकों को मौजूद किया जाएगा। और उसके साथ में ही लाल किले के आसपास में नो एंटी ड्रोन भी चलाए जाएंगे। तो काफी ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम इस बार पुख्ता रूप से अपनाए गए हैं, क्योंकि जहां पर आपने देखा था कि 26 जनवरी को काफी भयंकर माहौल एक तैनात हुआ, जिसको नजर में रखते हुए इस तरीके के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। हालांकि अभी भी आप देख सकते हैं कि यहां पर लगातार आपको चाहे पुलिस बल हो या फिर बटालियन हो, हर कोई यहां पर मौजूद है। और साथ में आपको बता दें कि रोड पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है, बैरिकेडिंग भी यहां पर लगाई गई है। हालांकि अभी कुछ गाड़ियां इस रोड पर दौड़ सकती हैं, लेकिन कल आने वाली डेट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और साथ में आपको बता दें कि यहां पर बैरिकेडिंग भी पूरी तरीके से की गई है। अभी आगे चलकर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा रोड आप देख सकते हैं कि कितना सुनसान अभी देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी आपको बता दें कि ये काफी ज्यादा पुख्ता इंतजाम है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस बार कुछ ज्यादा ही कड़ी से इंतजामों को किया गया है, जिससे कि किसी भी तरीके का इस समारोह में कोई भी व्यवधान ना पहुंचे। तो ये देख रहे थे आप 15 अगस्त के लिए भारी सुरक्षा के पूरे इंतजाम और यहाँ के साजो सज्जों का हाल। तो इस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट में बताइएगा। साथ ही मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ झलको दिल्ली।